करवा चौथ स्पेशल हो चुकी है हमारी शॉपिंग। जैसा कि मैंने कहा था, शॉपिंग लाखों वाली होने वाली है। सबसे पहले राजपूत पोशाक मैंने ले लिया, और लाखों की शॉपिंग में मतलब कि मेरा आईफोन भी इंक्लूडेड था, लेकिन हमारा 2 लाख का आईफोन ढाई भी देने पे नहीं मिल रहा है फिलहाल, और कितना इंतज़ार कराएगा पता नहीं। लेकिन हमें शॉप से बोला गया कि हम दिवाली तक तो आपको अवेलेबल करा ही देंगे आईफोन। चलो कोई बात नहीं, नया नया है फ़ोन तो थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं थाली कस्टमाइजेशन बिल्कुल 2-4 दिनों में ही करके लेके आ गई थी सर की। ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, एंड इन्होंने ऑर्डर किया था अपनी वाइफ के फेवरेट कलर की थाली, जो मैंने इनको कस्टमाइजेशन करके दिया। एंड जिस वक्त हम लोग वहाँ गए थे, उस वक्त ना एक शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर भी वहाँ पे थे, तो मिलके बड़ा अच्छा लगा। एंड सर से मैंने कहा भी कि लगता है हम लोग बिल्कुल सही समय पे आए हैं, तो सर ने कहा नहीं हम हैं, आप जो भी चीज़ करते हो बिल्कुल सही समय ही होता है उस काम को करने का, एंड आपका समय भी अच्छा वाला आने ही वाला आ चुका है, ऐसा बोला उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, एंड लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान हो आपके मुँह पर भगवान करे। एंड यहाँ से सीधे हम लोग आ गए थे राजपूत पोशाक लेने के लिए। पोशाक लेने आई तो मैं सोची कि चलो बाकी के कलेक्शंस भी दिखाती हूँ, लेकिन फिलहाल पहले मैं अपने तो दिखाऊँ मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है। मल्टी कलर में मैंने पोशाक लिया है, इसके साथ साथ में मैंने एक लिया है वाइन कलर का और एक मैंने लिया है थोड़ा फिरोजी कलर का, ताकि करवा चौथ वाले दिन मैं ये पहनने वाली हूँ। मुझे बहुत ठंडा ठंडा सा कलर लगा, बट अच्छा लगा। चांद के कलर के आगे ये बहुत ज़्यादा खिलने वाला है, क्योंकि इस पर सिल्वर का काम हो रखा है। एंड बहुत सबसे अच्छी बात ये है ना कि मैं जब भी पोशाक ले रही हूँ ना, तो मैं यहीं पर आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ की पोशाक की फिटिंग मेरे पर बहुत अच्छी जम रही है। एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं कभी भी पोशाक लेती हूँ तो मैं सीधे यहीं आ रही हूँ। और अब आगे भी बहुत सारे प्लानिंग है, और भी बहुत सारे कलर्स मैंने सोच रखे हैं, तो पहले मैंने सोचा कि चलो करवा चौथ के लिए कुछ रेडी करा लेते हैं पोशाक, इसके बाद फिर आएंगे तो बाकी के कलेक्शंस में से भी देखेंगे। कलर हर कलर के होने चाहिए ना अपने पास, एंड यहाँ पर कुछ अलग अलग कलेक्शंस थे, जैसे कि ऑरेंज कलर, मतलब क्या ही एकदम ऐसा लग रहा है पूरा के पूरा सोना ही है। एंड इसके बाद फिर आइए पीच कलर में, थोड़ा डिफरेंट शेड आ रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था लेकिन। एंड मतलब सारे ही लहंगे अच्छे थे, लेकिन थोड़े ये वाले लहंगे ऊपर के रेंज में, बहुत ज़्यादा ऊपर के रेंज में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे ब्राइडल लहंगा भी आराम से 30,000-60,000 इस रेंज में मिल जाएंगे। एंड हर तरह के लहंगे यहाँ पे, हर तरह के लहंगा नहीं, सॉरी, राजपूती पोशाक, मतलब मैं बोलने में इतनी कन्फ्यूज़ होती हूँ। और एक्चुअली मैं क्या ना, मैं पहले सिर्फ लहंगे लहंगे पहनती थी, एंड अब मैंने राजपूती पोशाक और ये सब लेना स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ा सा ना अभी इस पे बैठने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि फिटिंग इतना अच्छा रहता है ना कि बहुत कम्फर्टेबल रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइट रहेगा और ऐसा नहीं कि बहुत ढीला रहेगा, परफेक्टली जमेगा, कहीं भी जाओ कम्फर्टेबल रहते हैं राजपूती पोशाक में। मैं यहाँ तक कि यूट्यूब मीटअप में भी ना, जो जयपुर में हुआ था, मैं वहाँ भी राजपूती पोशाक पहन के गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कम्फर्टेबल था, एंड सभी लोग देखने के बाद मुझसे पूछ भी रहे थे उसके बारे में। अब ये मेरा पोशाक यहाँ पे रेडी हो चुका है, बांध बांध के अच्छे से रिबन वेबन लगा दिए इन्होंने, एंड बहुत सारी डोरियाँ दे दी। मैंने तो सिर्फ 3 डोरियाँ मांगी थी वो लगाने के लिए, और यहाँ पे नई भी दोनों 6-7 डोरियाँ से दे दी थी। तो चलो घर पे चलते हैं एंड ट्राई करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ट्राई नहीं करूँगी, मैं 1-2 दिन में ट्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड हो ना मुझे नए नए लुक्स में देखने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आप लोग तोरण बुकिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारे चैनल पे आ चुका है, मतलब हमारे पास मटेरियल्स भी आ चुका है। इसमें मैं अटैच कर रही थी कस्टमर के डिमांड पे गुलाब के फूल एंड नीचे कॉर्डिशल्स। आप भी अपने कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, सिंपली इसके लिए करना है आपको दिए हुए नंबर पर DM एंड मेरी वीडियो को शेयर, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, कमेंट्स देना, लाइक करना। लव यू ऑल।